नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होने वाला है। तो मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं जी सिटी ब्लॉग। तो इसलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं जहाँ पर चिड़ियाघर है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जस्ट 2 किलोमीटर बाद मतलब चिड़ियाघर पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं और बताते हैं। मैं इस टाइम बैठा ही हूँ, काफ़ी सब कुछ बना लिया हूँ और बनाने के बाद आपको। तो कल गेंडा स्वामी के बाद ख़त्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं नीला पीला मकाऊ के पास। तो चलिए मकाऊ को देखते हैं और आपको भी आनंद कराते हैं। और आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आप मेरा वीडियो देखकर आनंद लीजिए। तो ये मैं हूँ और मेरे पीछे मकाऊ है और आपको आगे दिखाते हैं। ये भी मकाऊ हैं सब, ये येलो और नीला मकाऊ है। और इसके बाद आपको आगे चल के और दिखाते हैं। ये भी खाना है और खाने के बाद देखिए, फिर मैं बैक कैमरे से ले रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। वाह, नीला पीला मकाऊ, वाह मकाऊ कैसे हो। इनका डिटेल्स है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। मिलिट्री मकाऊ, और जैसे कि आपको पता है यहाँ से जूम करके आपको दिखा रहे हैं, बट इसके आगे एक शीशे की लेयर लगी हुई है परत। लाल हरा मकाऊ, ये आपको डिटेल्स दिख रहा है, मतलब इनके बारे में क्या थोड़ा बहुत बताया गया है। और ये शीशे को वजह से ना चमक रहा है, इस वजह से आपको पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। पर कोई ना, अगर आपको और दिखना है, मज़े लेना है और आनंद लेना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जाने के बाद जो रियल का फीलिंग होता है ना, वो उसका बात ही अलग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके दिखाने का। और यहाँ पर पैरट है, तोता, और ये देखिए कितने मज़े से लेफ्ट राइट कर रहा है, चलता जा रहा है, ज़िंदगी का मज़े ले रहा है। और ये दो पैरट बैठे हुए हैं, एक्लेक्टस तोता जिसको बोलते हैं। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बताओ कैसा दिख रहा है। ये वाइट कलर का है, एक कट्टू कैक्टू जिसको बोलते हैं। और ये आप देख सकते दो ही है इसमें, और काफ़ी मतलब अच्छा दिख रहा है, मस्त एकदम, एक नंबर का। और यहाँ पे चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे घुसर तोता लिखा हुआ, अफ्रीका घुसर तोता। और ये देख सकते हैं चित्र में कुछ काला मुर्गा, और ये काला मुर्गा, वाह कितना मस्त लग रहा है ना काला मुर्गा। फोटो भी इसका बढ़िया लग रहा है। ये देखिए काला, ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देख दिखा आपको, हाँ दिख गया। ये इसके आगे लेयर लगा हुआ है ना शीशे का परत, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। गोल्डन फेजेस्ट, ये जो है आपको गोल्डन कलर का दिखेगा। ये आप देखिए सामने बैठा हुआ है, ये नहीं दिखा, कोई ना ये दिखते हैं। चलिए यही सिल्वर फेजेंट, ये चांदी कलर का है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया है, एक नंबर का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मस्त। और आपको अगर आनंद नहीं आ रहा तो मेरा वीडियो देखकर आनंद लीजिए, और जाने से पहले मेरा वीडियो ब्लॉग पूरा देख कर ही जाइएगा। मज़ा आ गया दोस्तों, जो हमने पक्षी आज तक नहीं देखा था वो आज हमने देख लिया, मज़ा आ गया। कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब, बाकी एक्सप्लेन करेंगे और आगे चल के। काओ सुने तीतर का, आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बताओ कितने तीतर। चलो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कितने तीतर। हमने ऐसा तीतर बहुत देखा दोस्तों अपने गांव में, और यहां का तीतर में बात ही अलग है, वो फीलिंग और वो मज़ा, क्या बात है यारो। तो चलिए और तीतर जी को जूम करके आपको दिखाते हैं। ये है काला तीतर, और काला तीतर तोता, या तोता देख सकते हैं, देसी तोता जिसे हम लोग गांव घर में नहीं होता तोता, जो हम लोग पाल रखते हैं जैसे। ये भी रामन तोता, हीरामन तोता है, जो कि रंगीला दिखता है और हल्का लाल कलर का दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। बट नॉर्मल दिख रहा है ना, जैसे हम लोग गांव में होता है वैसे। कितने प्यार से झूला झूल रहा है, वाह पकड़ के है, पकड़ के बैठा हुआ है। पर लाल वन कुकुर, लाल वन कुकुर, कुकुर हमने तो गलत भी पढ़ दिया, कोई ना आप सही कर दिए, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी चलते फिरते इंजॉय के साथ लेफ्ट राइट दाएं बाएं कर रहे हैं। कलर परिवर्तित परा की पैराकीट, ये कलर परिवर्तित लिखा तो है, ये तो आप देख सकते हैं। हाँ कलर भी इंट्रोड्यूस ही रहा इसमें, अब परिवर्तन होता है इसमें, मतलब ये रंग बिरंगी हो जाएगा क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट होता नहीं है। ये आप मुर्ग कुकुट देख सकते हैं, मुकुट क्या बोलते हैं इसको। और ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है मजे से, बहुत चौड़े से बैठा हुआ है ताव से इसको पता नहीं कि हम लोग देखने आए हैं। गोल्डन फेजेंट, तो आपको ये दिखाते हैं गोल्डन फेजेंट को, और उसके बाद आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दिखा आपको,
क्या है ना कि ठंडी का मौसम है, सब सो रखे हैं, सब वो देखिए मजे से बैठा हुआ है, छिप रहा है हमको देख के। छिपना रे बाबू नहीं छिपो, सिल्वर फिजेंट, ये चांदी कलर का फिजेंट है। और ये आप देख सकते हैं सामने, वाओ यार मस्त लग रहा है, कितना क्यूट क्यूट सा सिल्वर फिजेंट को आप तो आपको ये देख ही रहे हैं चांदी कलर का। फारुकता ये भी खाती हूँ, फारुकता आ जाओ बाबू, फारुकता आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं आए, चलिए आगे। ये तो आपको दिखाए थे, ये सामने आपको दिख रहे बैठे हुए हैं सब आराम से, कितने चौड़े में बैठा हुआ है ड्रंच फेजेंट। और ये देखिए बैठी हुई है, अंडे उंडे दे रही क्या, रामतन तोता ये देखिए, वाह हाँ, इसके पंख पे कुछ रेड कलर का है ना, कितना क्यूट, सफ़ेद मोर, वाइट कलर का मोर, बट वाइट है नहीं है, जैसे नॉर्मल नहीं होता हम लोग की तरफ ऐसे। हाँ ये वाला है, एक और बगल में आपको दिखेगा नॉर्मल था, जैसे जो इंडियन तोता नहीं, अरे इंडियन मोर नहीं होता वो, वैसे ये वाइट कलर का है। और ये देखिए हाँ, इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये हम लोग तो जो नॉर्मल पाए जाते हैं वैसा है, ये इंडियन है पूरा मस्त वाला, इसकी बात ही अलग है, भारतीय मोर, हाँ इंडियन वही, इसी को कह रहे थे भारतीय मोर। और आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, कब से कब तक पाए जाते हैं, कैसा क्या होता है, और ये आप देख सकते हैं। और चलिए आगे आपको चल के दिखाते हैं, और यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है, चलो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या सिस्टम है। ले ले ले, चलो 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 जल्दी 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 चलो चलो भैया, क्या बात है भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, क्या है ये मिस्त्री गिद्ध, गिद्ध महाराज किधर हैं आप, आ जाइए जल्दी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, पर गिद्ध महाराज को दिख नहीं रहे, बैठे हुए बैठे हुए हैं आप, क्या बात है, आराम फरमा रहे हैं, चलिए कोई ना, आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े, चलिए ओके ओके ओके, परेशान और आउल करेल करेल आउल उल्लू, ऐसा लग रहा है मुझे घूर रहा है, उल्लू है कहाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है बट मुझे घूर नहीं रहा है, ऐसा पिक्चर्स में फोटोज में आपको रियल में आपको दिखा दिख नहीं रहा, ये सामने बैठा हुआ है अपने घोंसले में बैठा हुआ है। और आगे की तरफ चील है, ब्राह्मणी चील, कितना छोटा दिख रहा है और शांत स्वभाव का दिख रहा है, बट बहुत खतरनाक होते हैं, कितने प्यार से बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वाह बस यही दुनिया है, अरे दुनिया यही नहीं है बाबा आगे। और ये देखिए एक बैठा हुआ है ऊपर, जो छोटा बच्चा है ना वो नीचे बैठा हुआ है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपना पंख फैलाकर उड़ सकता है वो आगे बैठा हुआ है, जो नहीं उड़ सकता वो नीचे बैठा हुआ है, और कर भी क्या सकता है, ब्राह्मणी चील, ब्राह्मणी चील। और इसका कुछ सामने अपने मतलब इसका डिटेल्स चील हुआ है, चील कब से कब तक मिलेगा ईगल, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं हूँ, और मेरे हल्का हल्का पिक्चर्स आ रहे हैं फोटोज, घूघू ग्रेट इसी को आउल बोलते हैं ना, और रात को दिखता है दिन में, उल्लू जिसके हैं सामने मेरे दिखे गए, उल्लू चलिए देखिए दिखा रहे हैं ये वहाँ से देखिए सामने दिख रहा होगा कोने में कॉर्नर में दिख रहा आपको, हाँ ऐसा दिख रहा है ये तो दिख रहा है ऐसा, अरे वाह क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ईगल है, उल्लू है, घोघू है जिसको बोलते हैं, काफ़ी एक से एक बढ़िया बढ़िया पक्षी है यार, मज़ा आ गया देख के। तो अब आपको दरियाई घोड़ा दिखाते हैं, और आपको पहले ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है मतलब कि इसके बारे में लिखा हुआ हिप्पो है जो है कि, अब आपको रियल में दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स आपको शेयर कर रहे हैं, ताकि ये कैसे है कैसे नहीं। और ये आप देख सकते हैं गेंडा स्वामी जी सो रखे हैं, मतलब कि हिप्पो जी सो रखे हैं, गेंडा स्वामी जी का बार बार नाम आ रहा है, ये आपको जूम करके दिखा रहे हैं कितने मज़े से कितने ताव से चाव से सो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये बंदर उसको परेशान करने जा रहा है सर, अभी पता नहीं है कितने खतरनाक जानवर है, वो बहुत शांत है दिखता है बहुत शांत, लेकिन अगर इसका दिमाग ख़राब हो जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो दो हिप्पो है यहाँ पर, और काफ़ी मोटेट श्वेत डिक, वाइट ब्लैक, वाइट बॉक, ये आप लोग देख सकते हो ये सफेद हिरन है, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ वाओ ना 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 ना।
बहुत पतला है, घुस जाएगा तुरंत। कोई भी जानवर है मारेंगे से घुस जाएगा, आर पार कर देगा जैसे चाकू काटता है। भाई साहब दिल्ली का जू तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत। तो ये आप देख सकते हैं एशियाई लायन, बहुत ही बुखार और खतरनाक लायन। वाह कितने शांति से भाव का दिख रहा है, शांति से बैठा हुआ है, बट शांत दिख रहा है भाई। आए नहीं बोल कर भी ऐसा करना भाई, लोग पास नहीं जाने का। दूर से देखो, पिक्चर लो, क्लिक करो, आंखों से आंखों भरी आंखों से देखो, आनंद लो आंखों से, लेकिन पास नहीं जाने का। घूर रहा था मुझे, घूर नहीं रहा था और देख रहा हूँ मतलब घूर रहा वही, अभी दहाड़ नहीं रहा है उसका दहाड़ भाई साहब। क्या ही मैं बताऊँ आपको, अभी कुछ शांत बैठा हुआ है, अभी देख रहा है, देख के पिछली थी ये इंसान ये प्रभु ये मानो हमको आपको गणेश को दिखाते हैं। और ये रहा गणेश, हेलो गणेश कैसे हो। तो ये आप देख सकते हैं गणेश, आ जाओ बाहर आ जाओ बाबू। और ये मगरमच्छ को देख सकते हैं, वाह वाह बाबू क्या इतने शांत दिख रहे हैं सर। ऐसा थोड़ा सा पानी मगर हलचल हो गया मित्रों, सही बता रहा हूँ सही। पंकिल मगर, ये पंकिल मगर ये इतने खतरनाक होते हैं भाई साहब, थोड़ा सा पानी मगर हलचल हो गया तो सीधा आप उसके मुंह में और सीधा उसके पेट में आप जाओगे, कन्फर्म बता रहा हूँ। ये हम लोग इतने शांत दिख रहे हैं सब, बाहर निकल के धूप का आनंद ले रहे हैं सब। दोस्तों अभी हमने देखा मगरमच्छ, नहीं है कहावत तू पापा की परी तो मैं माँ का मगरमच्छ, वही हमने देखा एकदम रियल, मज़ा आ गया यार। आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, और हाथी शेर भी देख लिए, मगरमच्छ भी देख लिए, और हाथी दिखाते हैं आपको। तो अब चलिए अफ्रीकन आपको हाथी दिखाते हैं, और ये चलते चलते जा रहे हैं, आपको दूर से दिखाई दे रहा है बड़ा सा हाथी, ये अफ्रीकन हाथी है और बहुत ही बड़ा बहुत विशाल लिखा है, इतनी बाप रे बाप इतना, इसका बहुत ज्यादा हाइट है ना, इसका कान भी लंबा लंबा है। और ये आप देख सकते हैं दूर से ही काफ़ी क्या दो तीन दो भागों में इसका जो बैरिंग बनाया गया है, पहला भाग तार से घिरा हुआ है, दूसरा लोहे से, और तीसरा में फूल पत्ते लगे हुए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने कितना विशाल काय है, जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो अफ्रीकी हाथी। और यहाँ पर चिकित्सा है, जैसे पशु जानवर जो भी बीमार हो जाए, कुछ किसी को कुछ हो जाए घाव मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए चिकित्सालय है जहाँ पर इनका इलाज होगा, और इलाज होने के बाद उनको फिर से वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपको चिकार हिरन दिख रही होगी, और चलिए आप नेक्स्ट एक्साइटेड है तो ये देखिए अब आपको आपके सामने पेश हो रहा है बहुत ही खतरनाक और अपना इंडियन हाथी। तो ये आप देख सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, अभी लोग बहुत खड़े हैं अभी जगह ढूंढ रहे हैं। और ये वाह माय गॉड दो हाथी है, इतनी खतरनाक और विशाल का है इंडियन हाथी भाई। ये जो है कि सबसे ज़्यादा इनसे फेवरेट क्या होता है, पीपल का पत्ता, ये पीपल बहुत ज़्यादा खाती हैं सब। और ये दो दो हाथी है दोनों के लिए, ये जो है कि ऐसे सुरंग मतलब इन सब समझ एक तरह से छाता की तरह बनाया गया डिजाइन किया गया है। और इन सब के बाद भारतीय हाथी जो है इनके बारे में कुछ डिटेल्स है, बताया गया कब से कब तक मिलेगी, कैसे क्या करना है देखभाल, और कौन से महीने में कौन से दिनों में इनको मतलब ज़्यादा सही रहता है, कौन से दिनों में इनको नुकसान होता है, या इनके बारे में बताया गया है। और ये मेरे हाथ देख रहे हैं सामने मेरे हाथी, ये जो है ना बहुत बहुत ताव से पीपल के पत्ते खा रहे हैं, और अब देख सकते हो पेशाब कर रही है, पोटी कर रही है, सब लोग भागने लगे, कह रहे ओ माय गॉड मुंड खराब कर दिया, मुंड क्या भाई पोटी लगेगा पेशाब लगेगा तो करेगा ही। तो देखकर मुझे भी वॉशरूम लग गया, तो मैं आ गया इस वॉशरूम में, अब मैं भी जा रहा हूँ एक नंबर पेशाब करने यानी कि वॉशरूम करने, और चलते हैं अब बाहर। जिस चीज़ के लिए हम एक्साइटेड थे अब हमको देखने को फाइनली मिलेगा। तो यहाँ अब हम चलते हैं और इस बोर्ड पर क्या लिखा है थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है सफ़ेद बाघ, वाह ये तो डिस्क्रिप्शन मतलब स्टैचू है इसका, आप दिखाते हैं बाघ रॉयल रॉयल बाघ, और देखने में ही काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसका गुफा है, मियान जिसको बोलते हैं गुफा, वाइट वाइट शेर लिखा हुआ है ना,
पहले यहीं पर एक दारूबाज ने सड़ीबाज गिर गया था, यही वो जगह है जहाँ पे उलट गया था ना, शेर खा गया था, वही ये जगह है। अब शेर कहीं शिफ्ट हो गया है। अब चलते हैं अपने तेंदुए की तरफ। अब देखते हैं तेंदुआ, ये आप देख सकते हैं साइड साइड से लिखा हुआ है जैगुआर, जैगुआर लिखा हुआ है ना, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अप डाउन कर रहा है और इतना गुस्से में, ऐसा लग रहा है कि लोगों को देखा ही नहीं, इसको भूख लगी बहुत तगड़ी वाली है। ये अगर जाल से बाहर निकल गया ये तोड़ तोड़ के, तो हो गया कांडा हम लोगों का, तो बना लेंगे बढ़िया से ब्लॉग। तो दूर से हम तो खड़े होकर बना रहे हैं वीडियो और देख रहे हैं आप। ये मतलब ऐसा लग रहा है परेशान है हम लोगों को देख के, ऐसा तो नहीं कि मुझे देख के परेशान है, कह रहा है खाना आ गया मुझे ही कहा जाए, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग कहाँ से दे पाऊँगा दोस्तों, ऐसा ना हो। और इसको जा रहा है ऐसा लग रहा है तुम जा रहा है। अब ये पानी पी, ओ माय गॉड पानी पी रहा है। ये कोई यहाँ खाना नहीं मिल रहा तो जा रहा पानी से ही पी कर आराम चला रहा है। और सोच नहीं चाहिए सरकार को भी, काफ़ी दुबले पतले हो गए सब, ऐसा लग रहा है कि अब बताओ हम लोग मतलब सुबह से निकले तो कुछ नाश्ता पानी कर लिए, उसके बाद भूख लगती है, इन सब को जो खाना पानी टाइम से देना चाहिए। देखो कितना पतला दुबला पतला हो गया है। हाँ लग रहा है मेरा बात सुन रहा है, ओ हाँ हाँ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं मेरी जान। सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ खान पीने को टाइमिंग से देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को देना चाहिए, क्या कर सकते हैं। और हम लोग का इतना 800 रुपये लग रहा है टिकट का, कम से कम इन सब का देखभाल तो होना चाहिए क्या क्या दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूँ आपको बताना। और ये देखो किसने शाम सुबह से बैठा हुआ है और अब बैठ गया है, और बैठने के बाद अब सोच रहा है कि करना क्या है। वो अंगड़ाई ले रहा है और मुकुल से अंगड़ाई ले रहा है और काफ़ी होता है जाली में मारना ताकि सेफ्टी हो सके, किसी के साथ कोई कांड ना हो सके। साहब रियल में टाइगर देख लिए, सच में बहुत खतरनाक लग रहा था, ऐसे चल रहा था बहुत पापर, डर भी लग रहा था, देखने में मज़ा भी आएगा क्योंकि आज रियलिटी में देख लिए, मज़ा आ गया यार। आप लोग भी आओ और देखो यहाँ पे जू में मज़ा आ रहा है बहुत, रियल में देखने में मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप लोग नहीं देखते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हो, अजीत सिटी ब्लॉग वाले पर मेरे चैनल पर आप लोग देखो सब दिखेगा। तो अब हम आते हैं रंगा बिल्ला को देखने, वॉल्फ यानी कि भेड़िए को देखने, और भेड़िए को देखने के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ भैया। और ये आप देख सकते हो भेड़िए को, ओ इसके बारे में कुछ डिटेल बताया गया है। और ये देखिए खाने के तलाश में इधर उधर भेड़िया भटक रहा है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, कैसा हाल है भैया, भाग रहा है मेरी आवाज़ सुनकर, अरे इतना मेरा आवाज़ बेकार भी नहीं है मेरे दोस्तों, इतना तेज भाग गया। और ये आप देख सकते हो वहाँ से घूर रहे हैं सब मुझे, ओह ये एक साइड से आ रहा है कि शिकार चल के मेरे खुद कदमों में आ गया, ओह ऐसा नहीं है भाई मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ओ भेड़िया है भेड़िया, दूर से हाँ पास नहीं आऊँगा, देखो मेरा आवाज़ लग रहा है दोस्तों जा रहा है इसके कानों में। हेलो कैसे हो भाई, ओ रंगा बिल्ला उधर है, रंगा बिल्ला उधर है, सब दोनों के दोनों, कोई ना आ जाओ नहीं आएगा, भाग रहा उधर, सोच रहा है कि कहाँ से निकलो। इसके नीचे ना अगर गड्ढा नहीं किया गया होता तो ये आ जाते सब इंसानों को मार देते सब, यानी कि इंसान मीन्स हम जैसों को ये सब मार देते हैं। भेड़िया यहाँ पर भेड़िया देखने के लिए मज़ा आ गया। तो दोस्तों जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं व्हाइट बाघ का, सफ़ेद बाघ का, ये आपको सामने प्रस्तुत है। और उधर देख क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, क्या देख रहे हो भैया उधर, क्या देख रहे हो, देखो इधर देखो, हेलो बग्गो व्हाइट बाघ, हेलो मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है भाई, नहीं सुन रहा है लग रहा मुझसे गुस्सा नहीं है ये किसी चक्कर में भाई, गुस्सा कुछ नहीं है, ये किसी व्यवस्था में है। तो आप देखते हैं बिना बालों वाली घेंच वाली शुतुरमुर्ग को, ये आप देख सकते कितनी इसकी हाइट, लंबी हाइट है ना काफ़ी, मतलब हम इंसानों के बराबर है ये, बहुत बड़ा। और ये बहुत तेज किक मारती है सब, बहुत तेज दौड़ा काट लेगी, तुरंत पखयाएगी दौड़ाएगी
और दबोच लेगी, तो इससे हम लोगों को काफ़ी मतलब बच के रहना चाहिए अगर कहीं भी खुले में दिखे तो। ये ज़्यादातर इधर नहीं मिलता, ये काफ़ी मतलब दूसरी जगह मिलती है सर। ये तो बस जू में आपको दिखाने के लिए है कि ये आप देख सकते हो। तो सांभर हिरड़ देखने के बाद हम थक चुके हैं और चलते हैं। अब थोड़ी सी नई नई किरण की रोशनी आई और हमें दिखा ये प्यारा सा फव्वारा जो नई उम्मीद लाता है और नई उमंग लाता है। ये मेरे को आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। वाह यार, ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जाऊँ नहीं, यहीं बैठा ही रह जाऊँ। कितना खूबसूरत प्रकृति, जब जुड़ते हो आप प्रकृति से ना तो और बात ही कुछ अलग होता है। इतना खूबसूरत नज़ारा यार दोस्तों, क्या बताऊँ, मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का। यहाँ बैठ के मैं उनका आनंद लो, फोटो खिंचाओ। और यहाँ पर ईगल देख सकते हैं, ये इसका चेहरा आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। थोड़ा बहुत दूर है ना, इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है पा रहा है, बट कोई ना, कोशिश कर रहा देखने का। गौर जिसको बोलते हैं, ये अब मतलब सांड नुमा है, ये देख सकते हैं। हाँ, जो बाहुबली वाला सांड नहीं था, बाहुबली वाला जिससे प्रभास लड़ रहा, बाहुबली आ जा, ये उठा के पटक दिया। तो ऐसा फिल्मों में दिखता है, वैसे रियल में है नहीं। ये बाघ है कि आपको दिखाएं, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत रॉयल बंगाल टाइगर लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं साइड साइड से घूम रहा है, घूम घूम कर देख रहा है, और देखने के बाद ये लेफ्ट राइट घूम रहा है। और क्या हमको लगा इशारे को लगा होगा, सबको यही हाल है। मेरे को खुद देख लगा है, पेट बहुत बुरा रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने को मिल जाओ, रे खाना दे दो रे, घर पर बोल देता हूँ खाना दे दो रे, इसको बेचारे को लगा, इसका देखा देखिए लग गया। और यहाँ पर कुछ पक्षी वगैरह है, पक्षी जैसे पानी मछलियाँ पकड़ते हैं, मछली। और ये वो वाली है क्या बोलती है, इसका लंबा लंबा होता है पोपला जिसको हम लोग गाँव बोलते हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी रेड कलर की बिल्ली दिख रही है, हाँ इसी में छोड़ दिया गया होगा ताकि साथ में कोई मिल जाए और फ्रेंडशिप बनाए, दोस्त बन जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ऐसा होता है यहाँ के, बहुत ही दिल को सुकून और शांति महसूस कर पा। कितना अच्छा जगह है यार, दिल में भी इतना अच्छा अच्छा जगह है, मुझे मालूम ही नहीं था। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत, अपने आप में बहुत बहुत सुकून। अच्छा व्यू है ना, मस्त सुहाना सुहाना।